रहनुमाओं की पीपी क़यादत से मुलाकात में डॉक्टर आसिम ने अहम किरदार अदा किया है। एमकेएम की दो इंतहाई अहम शख्सियात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल हो गई हैं। एमकेएम के रहनुमा रजा हारून और अनीस एडवोकेट पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। दोनों रहनुमाओं ने बिलावल हाउस कराची में आसिफ अली जरदारी से मुलाकात भी की है। आपको बता दें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो परचम हैं उसके रंगों से मुजयन स्टॉलर भी पहनाए गए। मोहम्मद सलीम हमारे साथ हैं, उनसे इस बारे में मज़ीद जान लेते हैं। मोहम्मद सलीम, पीपी मुतहरिक नज़र आती है, ये एक बड़ी डेवलपमेंट है, क्या बताएंगे? जी बिल्कुल, देखें, पीपल्स पार्टी ने एमकेएम की दो मजीद व्यक्तियां उड़ा दी हैं। अनीस एडवोकेट और रजा हारून बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए हैं। सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन और साबिक सदर आसिफ अंसारी से मुलाकात के बाद एमकेएम के सीनियर रहनुमा अनीस एडवोकेट और रजा हारून साथियों समेत पीपीपी में शामिल हो गए। आसिफ अंसारी ने अनीस एडवोकेट और रजा हारून को पीपी में शमूलियत होने पर खुश आमदीद कहा। इस मौके पर सदर आसिफ अंसारी और एमकेएम के राबता कमेटी के साबिक रहनुमाओं अनीस एडवोकेट और रजा हारून के दरमियान शहर कायद की तरक्की, खुशहाली, कयाम में अमन और मफाहमती माहौल के फरोग के हवाले से चार्टर्ड ऑफ कराची पर भी तबादला ख्याल हुआ। आसिफ अंसारी का कहना था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का चार्टर्ड ऑफ कराची शहर कायद के मुस्तकबिल के दौरे असरात मरतब करेगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची वालों की जमात है, हम कराची वालों के साथ मिलकर कराची की इन रोशनियों को बहाल करने की जद्दोजहद कर रहे हैं जिन्हें अमन के दुश्मनों और नफरत के सौदागरों ने छीन लिया था। उनका मजीद कहना था कि शहर कायद के बासियों के वोटों से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वफाक में इकदार मिलना इस बात के मुतरादिफ होगा। ठीक है मोहम्मद सलीम, बहुत शुक्रिया इस बारे में अपडेट करने के लिए।